वफाकी वज़ीर दाखला मोहसिन नकवी कहते हैं कि अलीमिन गंडापुर ना हमारी हिरासत में है ना किसी और इदारे की। अलीमिन गंडापुर के पी हाउस में मौजूद नहीं, उनके भागने की तस्वीर हमारे पास मौजूद हैं। हमने शक के बिना पर एक दो रेड्स की थी, हमने अब भी काफ़ी हद तक नाकाबंदी की हुई है। अलीमिन गंडापुर जहाँ पर भी मिले पुलिस की रिक्वायरमेंट पूरी होगी। वो अपने सूबे में पहुँचे हैं या नहीं हमें नहीं मालूम। कांस्टेबल के कत्ल में जो भी मुलविस है कोई भी नहीं बचेगा। उन्होंने ये भी कहा कि बच्चों को मुलाजमत देंगे, शहीद पैकेज और प्लॉट मिलेगा, सारा प्रोसेस 2 से 3 दिन में मुकम्मल होगा, सब कुछ शहीद के घर तक खुद पहुंचाएंगे। वो कांस्टेबल की नमाज जनाजा में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ना वो हमारी हिरासत में है, ना वो पाकिस्तान के किसी इदारे की हिरासत में है। वो केपी हाउस में मौजूद नहीं है और उनकी भागते हुए तस्वीरें भी मौजूद हैं। अभी भी हमने काफ़ी हद तक नाकाबंदी की हुई है कि वो जैसे ही पुलिस ने 3-4 जगहों पे जहाँ पे भी हमें मिले वो डेफिनेटली जो पुलिस की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी। लेकिन अगर वो केपी इस टाइम पहुँच गए या नहीं पहुँचे मुझे इसका पता नहीं है। जो भी इस शहीद के कत्ल में मुलव्वस है, इंशाल्लाह ताला हमारा कल भी आपसे ये वादा किया था कि उनमें से कोई भी नहीं बचेगा। उनके दोनों बेटों को एक CDA में ऑलरेडी एम्प्लॉई है, उसको कंफर्म करेंगे हम इंशाल्लाह ताला अगले 1-2 दिन के अंदर। उसका एक बेटा जो है वो उसको हम पुलिस में भर्ती करेंगे। प्लस इस शहीद के लिए शहीद पैकेज हम फौरी तौर पर अगले 2 दिन में प्रोसेस करेंगे, जो हर शहीद को मिलता है वो करेंगे। और उसके अलावा इसके लिए एक प्लॉट हमने जो ऑलरेडी शोधा को दिए हैं इस्लामाबाद के, वो हमने करने का फैसला किया। तो इंशाल्लाह ताला हम अगले 2-3 दिन में करके शहीद के घर पे जाके खुद पहुंचाएंगे सारी की सारी चीज़ें।